आईसीआर और आईडब्ल्यूबी आर के निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में किसानों द्वारा 31.5 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं बोने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में 1.5 मिलियन हेक्टेयर अधिक होगी। उन्होंने कहा है कि भारत में 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, इस साल किसानों ने नए बीजों का इस्तेमाल किया है जो गर्मी के लिए बेहतर सहनशीलता रखते हैं और प्रकृति में उच्च उपज देने वाले हैं। कारोबारियों का कहना है कि गेहूं का थोक भाव 30 रुपए प्रति किलो के करीब चल रहा है और देश के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की कीमतें 27 रुपए से 2950 रुपए किलो के दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही हैं, जो कि फिलहाल एमएसपी 20 रुपए 15 पैसे प्रति किलो से 30 से 40% अधिक है। घरेलू उत्पादन में गिरावट और निजी पार्टियों द्वारा आक्रामक खरीद के कारण विपणन वर्ष 2022-23 में भारत की गेहूं खरीद 43.444 मीट्रिक टन से गिरकर 18.792 मीट्रिक टन हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार गेहूं का उत्पादन 50 लाख टन तक बढ़ सकता है और गेहूं में अच्छी किस्म का उत्पादन बढ़ने की संभावना बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।